हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एक अच्छा सा कमेंट करिए वीडियो अगर अच्छी लगी है। तो गाइज़, जो आज मैं आपको लेकर आई हूँ वो मैं आपको लेकर आई हूँ यांकी सिज़लर, जो है कॉमर्स कॉलेज रोड, यूनिवर्सिटी एरिया अहमदाबाद के पास। एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, एग्जैक्ट लोकेशन का लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर जॉइंट ऑफ यांकी सिज़लर इज़ 100% वेज। यस, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका मेन्यू, जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। सूप्स हैं, एपेटाइजर्स हैं, पास्तास, पिज़्ज़ाज एंड ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ सिज़लर्स। और जो सबसे अच्छा मुझे लगा इस जगह का वो था यहाँ का एम्बियंस, बहुत ही बढ़िया था। एंड सिटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी जगह है ये, तो सिटिंग भी काफ़ी ह्यूज है। तो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ सिज़लर है। ऑब्वियसली सिज़लर्स के रेट थोड़े ज़्यादा है, बट ये क्वांटिटी भी सिज़लर की काफ़ी अच्छी सर्व करते हैं। अराउंड 850 to 1000 ग्राम क्वांटिटी होती है, जो इन्होंने मेन्यू पे मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमने ऑर्डर किया वो किया ये सूप, जो है खाओ सुई सूप। एंड यस गाइस, हमें वेटर ने पहले ही बोला था ये सूप थोड़ा स्पाइसी होगा, तो यस इट वाज स्पाइसी, बट इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक थी। एंड जो इस सूप का बेस था वो कोकोनट मिल्क है। एंड गाइस, व्हाट अ फ्लेवरफुल सूप, सच कहें तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार सूप था। इसके अंदर डली हुई थी फ्राइड पीनट्स, जो बहुत ही अच्छा क्रंच दे रही थी सूप को, और साथ में ये फ्राइड नूडल्स, कुछ बहुत ही थोड़ी बहुत वेजीज थी। मतलब इसका टेस्ट ना थोड़ा थोड़ा जैसे रेड थाई करी होता है ना, वैसा था। इंग्रेडिएंट्स क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे सेम थे, तो ये यांकी स्पेशल खाओ सुई सूप मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप अगर इधर आएँ एंड इफ़ यू लाइक कोकोनट मिल्क, देन ये वाले सूप को तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही मज़ा आ गया था। लेमन जूस भी आप थोड़ा सा स्क्वीज करके इसको टेस्ट करिए, अमेजिंग सूप, अमेजिंग। एंड जो हमने नेक्स्ट ट्राई करा, जो हमने एक और सूप जो ऑर्डर किया था वो ये था हॉट एंड सार डम्पलिंग सूप। एंड गाइज, मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि इसमें से डिमसम टाइप के डम्पलिंग्स होंगे, बट ऐसा नहीं था। तो गाइज, जो इसका बेस था वो मंचूरियन ग्रेवी जैसा बेस था, मतलब गार्लिक था, मतलब सोया सॉस आप हटा दीजिए, जो जैसा ग्रेवी होता है ना वैसी इसकी कंसिस्टेंसी, और वो थी, स्वीट टेस्ट था, सार टेस्ट था, एंड वेजीज थी, गार्लिक था। एंड मतलब सच कहूँ तो कुछ ऐसा यूनिक नहीं था इस सूप का, अच्छा था बट कुछ यूनिक नहीं था टेस्ट में। एंड जो डम्पलिंग्स थी वो फ्रैंकली स्पीकिंग जैसे बेसन के पकोड़े होते हैं ना, वैसे मैदे के पकोड़े जैसा लग रहा था, ब्लैंड थी, मतलब कुछ यूनिक टेस्ट नहीं था। तो ठीक है, डिसेंट टेस्ट था। एंड जो इसकी कॉस्ट थी वो 220 रुपीज़ थी, बट जो से पहले वाला सूप था वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिए। तो नेक्स्ट हमने जो ऑर्डर करा, सो ऑब्वियसली हमने ऑर्डर किया सिज़लर यहाँ पे। तो गाइज, जो हमने यहाँ पे सिज़लर ऑर्डर किया था वो था स्पाइसी पनीर मशरूम बेबी कॉर्न सिज़लर, चीज़ सिज़लर, जिसका जो बेस था, जो ग्रेवी बेस था, वो था चिली गार्लिक, तो ब्राउन इन ग्रेवी था। तो इस तरीके से टेबल पे सिज़लर सर्व होता है। एंड आप जितने भी लोग हैं उसमें, जो वेटर होता है वो इक्वली डिवाइड कर देता है आपकी प्लेट के अंदर सिज़लर को। एंड वेजीज थी, कॉर्न था, पीस थे, स्पिनिच था, टोमेटो था। एंड जैसे सिज़लर का थोड़ा बर्न टेस्ट होता है वैसा था ग्रेवी के अंदर टेस्ट। एंड मैं एक और चीज़ बोलती हूँ, जब भी आप कोई भी सिज़लर ऑर्डर करें, क्योंकि इतनी वैरायटी है सिज़लर की, आप उसके अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इस पर्टिकुलर सिज़लर के अंदर कुछ भी साथ में राइस या नूडल्स नहीं था, विच लाइक मेरे लिए थोड़ा सा नो था, बिकॉज एक तरह से आप ग्रेवी टाइप ही सिर्फ खा रहे हैं, आपके साथ कुछ और नहीं है। ऑब्वियसली इतने शॉर्ट टाइम में आप कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते थे। अदरवाइज टेस्ट बहुत बढ़िया था, मशरूम के पनीर के चंक्स काफ़ी अच्छे से थे, और आपके पैलेट को क्लेंस करने के लिए यू हैव दी वेजीज ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट। तो मतलब फ्रेंच फ्राइज था, मतलब काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था पूरे प्लैटर का, तो हमने इन्जॉय किया। बट आपके पास बहुत ऑप्शन है, चाइनीज़, इटालियन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है प्लस सिज़लर्स में, तो आप कुछ भी इन्जॉय कर सकते हैं।
और ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा था, चिली गार्लिक बट ब्राउन ज़्यादा था, थोड़ा सा जो बर्न टेस्ट होता है वो जैसे सिजलर का होता है वैसा टेस्ट ज़्यादा था, बट अच्छा था, आप इंजॉय कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट थी 791 रुपीज़, बट पोर्शन वाइज आप देख सकते हैं पोर्शन काफ़ी अच्छा था, तो सिजलर की कॉस्ट इसकी थोड़ी स्टार्टिंग रेंज ही 650 से होती है। एंड यस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जब इधर आएँ तो आप कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा सिजलर जो आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग होता है आप इंजॉय तो कर ही सकते हैं। एंड यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, हमने काफ़ी इंजॉय किया यंकी सिजलर, तो सबको जब ओपन हो जाए तो आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करिए, और आपको कैसे लगे जब आप विजिट करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, एंड यस टेक केयर, बाय बाय।